फ्रेंड्स ये देखिए, ये है पनीर घोटा रेसिपी और ये झटपट से 5 मिनट में बन जाता है। तो जब कभी भी आपको समय ना हो और अच्छा स्पेशल सा खाने का मन हो तो पनीर घोटा आप जरूर से बनाइए और इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका भी टेस्टी और डिलीशियस पनीर घोटा रेसिपी बने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं पनीर घोटा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला, मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं झटपट बनाने वाली हूँ, ये 5 मिनट वाली रेसिपी है और इसे जो है हम पनीर घोटाला कहते हैं या आप इसे पनीर घोटा कह सकते हैं। तो अगर आपको पनीर की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। घर पे आपके कोई भी मेहमान आए हो या कोई फंक्शन हो तो इस रेसिपी को आप जरूर से बनाइए। और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं पनीर घोटा। पनीर घोटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई चढ़ा लेना है और इसमें हम ऑयल एड करेंगे। आप चाहें तो अपना कोई मनपसंद फ्लेवर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे तरीके से चटकने देना है हमें, जब तक कि इसके चटकने की आवाज नहीं आने लगती। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। और ग्रेट किया हुआ अदरक। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स और जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसे मिक्स कर लेते हैं और हल्का रोस्ट कर लेते हैं, इसका कच्चापन निकल जाए तब तक। बहुत ज्यादा हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज जो कि मैंने बारीक काट लिया है। इसे हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक हमें रोस्ट करना है। प्याज हमारे हल्के रोस्ट हो गए हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, बहुत ज्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया मैंने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज हमारे हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, हमें इसे ज्यादा ब्राउन करना नहीं है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। और टमाटर के गल जाने तक हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बीटरूट। बीटरूट करीब 2 चम्मच के करीब है तो आप अपना मनपसंद वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बीटरूट ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर भी बहुत बढ़िया आए। अब बीटरूट ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पाइसनेस के लिए इसमें रेड चिली ऐड कर रहे हैं, तीखा वाला। आपको जितना तीखा पसंद हो आप ऐड कीजिए। और थोड़ा सा गरम मसाला, बस थोड़ा सा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसे। मसाले हमारे जले ना उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। जितनी थिकनेस आपको पसंद है उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिए। तो आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे ढक करके अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। बॉईल अच्छे तरीके से आ गया है और चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो इस स्टेज पे हम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हम ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हम करीब 4 से 5 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छे तरीके से हमें पका लेना है। पनीर घोटा में बॉईल अच्छे से आ गया है तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे ताकि अगर कोई टमाटर या फिर
पनीर के कोई बड़े चम्मच हो तो वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। इसे अच्छे तरीके से हमें इस तरीके से मैश कर लेना है, यानी घोट लेना है आपको। इसे इस तरीके से मैश करते जाना है, घोटते हुए जाना है, तभी आपका पनीर घोटा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और इसका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से एनहांस होगा। इस तरीके से हमें करते जाना है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कसूरी मेथी, और इससे काफी अच्छा सुगंध और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो इसे थोड़ा सा हाथों से ऐसे क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ती, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से मैश करते हुए अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे बस 2 मिनट के लिए थोड़ा और कुक करेंगे। यहाँ पे पनीर घोटा बनकर तैयार है और ये काफी अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं साइड में ऑयल रिलीज हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा पनीर घोटा रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और अगर आपको चीज पसंद है तो आप चीज ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पनीर घोटा रेसिपी, और देखिए काफी जबरदस्त रेसिपी है ये, काफी टेस्टी और डिलीशियस भी है। और सबसे अच्छी बात कि ये झटपट बन जाता है, 5 मिनट की रेसिपी है। आप कभी भी इसे, जब भी मन करे आपका चटपटा खाने का, तो आप इसे बना सकते हैं। आप पाव, ब्रेड, रोटी, पराठा, राइस के साथ में इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर। तो पनीर को हम इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं, आप चाहें तो चीज भी ग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जबरदस्त पनीर घोटा रेसिपी, बस 5 मिनट में बन जाने वाला है। तो झटपट से बनाइए और एंजॉय कीजिए पाव या ब्रेड के साथ, या रोटी पराठा राइस के साथ में। तो बस संडे हो या मंडे, रोज बनाएं पनीर घोटा और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज को पाने के लिए। तो फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।